वेलकम टू केमिस्ट्री गन चैनल सो आर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन दैट डे वी हैव स्टार्टेड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमस्ट्री वी हैव ऑलरेडी डिसकस टू टाइप्स ऑफ सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सो टूडे विल डिसकस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन डिटेल ओके द सेल विच कन्वर्ट्स कैमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑल द रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगी रिएक्शन या मैं कहूँ कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी इप्स फ्री एनर्जी इज़ नेगेटिव यह हम थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में हम पहले ही बात कर चुके हैं स्पॉन्टेनियस मतलब कि सपोज आपने एक कप में चाय रखा तो चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन जो अपने आप होते हैं अब मैं अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेटअप की बात करती हूँ तो मैं एक सेटअप कर रही हूँ आई हैव टेकन टू बीकरस एक बीकर यहाँ लिया एक यहाँ लिया मैं ऐसे कह सकती हूँ इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड इसमें कंडीशन है कि आप जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी इलेक्ट्रोलाइट का सेम मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रोड होगा मतलब अगर मैं यहाँ वन मोलर जिंक सल्फेट ले रही हूँ तो ये इलेक्ट्रोड किसका हो गया जिंक का और यहाँ मैं ले रही हूँ वन मोलर कंसनट्रेशन का कॉपर सल्फेट तो ये इलेक्ट्रोड हो गया कॉपर का साथ में आपने बैटरी लगाई हुई है गैल्वनोमीटर लगाया हुआ है और एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाई हुई है जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे आप तो उसके अंदर क्या कंडीशन रहती है दैट द साइज ऑफ किटाइन एंड एनाइन शुड बी सेम एंड द मोबिलिटी ऑफ किटाइन एंड शुड बी सिमिलर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दैट डे और यहाँ पर आपने इसको ब्रिज को बंद किया हुआ है जिलेटिन या अगार अगार से ताकि यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पर शिफ्ट ना हो जाए सिर्फ वो न्यूट्रल करेगा इस चीज को उसका क्या यूज है बेसिकली कि दैट इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड इट कम्प्लीट्स द इंटरनल सर्किट दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इन्वर्टेड यूट्यूब और यू कैन कॉल इट सॉल्ट ब्रिज पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो डिस्कवर किया गया था वो था डेनियल ने किया था इसलिए उसका नाम क्या दे दिया था डेनियल सेल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गैलवनिक सेल और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इन्वर्टेड यूट्यूब को प्लग किया गया जेलेटिन या अगर अगर से ओके लेफ्ट हैंड साइड अब मैंने आपको कहा कि वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर आ गई कैथोड की बात तो एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन तो मैं इसे कह सकती हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल यहाँ वाला और यहाँ वाला हो गया रिडक्शन हाफ सेल तो जेड तो चेंज हो जाएगा जेड एन प्लस टू में और दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा क्योंकि वहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आपने जिंक लिया दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कॉपर प्लस टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन और बना लेगा कॉपर तो ये हुआ एक जनरल रिएक्शन की बात अब क्या ऑब्जर्वेशंस रहेंगी आपकी इस सेल के एक्सपेरिमेंट सेटअप के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज देयरफॉर फोर जिंक इलेक्ट्रोड रिड्यूसेस राइट जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जो उसका इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा रिड्यूसिस इसी का उल्टा कर दो अगर कॉपर गेट्स plus two गेट्स रिड्यूज तो इट मीन कॉपर का जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अगर यहाँ पर इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका मतलब जिंक का जो इलेक्ट्रॉन का वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा वेट रिड्यूस हो जाएगा अगर वो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाया है तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का वेट इंक्रीज हो जाएगा तीसरा ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये दो गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहां फ्लो करे एनोड से कैथोड की तरफ करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टा चलता है तो करंट कहां से कहां जाएगा कैथोड से एनोड की तरफ मैं इन ऑब्जर्वेशन को फिर से बताना चाहूंगी जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जेडेन जेड एन प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है दे दिए उसने लूज कर दिए तो इसका जो जिंक इलेक्ट्रॉन का वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कॉपर का वेट इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गए और करंट कहाँ गया कैथोड से एनोड की तरफ गया नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ये न्यूट्रलिटी बनाए रखता है इंटरनल सर्किट को कम्प्लीट करता है और जो इलेक्ट्रोलाइट हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर ले रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है दैट द मोबिलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन शुड बी सिमिलर मतलब दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए कुछ भी उसमें अलग अलग नहीं होना चाहिए और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर लेती हूँ जैसे कि मैंने इसमें ली है सेटअप के अंदर वन मोलर जेडन सल्फेट एंड वन मोलर कॉपर सल्फेट तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट मैं करती हूँ तो ई e नॉट क्यों लिख रही हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ तो जो आंसर आता है वो आता है वन पॉइंट वन वोल्ट मैं आपको इसको बताऊँगी कि ये आया कैसे है अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि ये वैल्यू आई कैसे है बट आपको ये लर्न करनी है कि ये दैट इट विल कम्स टू वन वोल्ट ये स्टैंडर्ड है अब उस सेल की फंक्शनलिटी की बात करेंगे या फंक्शनिंग ऑफ द सेल जब मैं एक एक्सटर्नल पोटेंशियल भी अप्लाई कर देती हूँ इसी सेटअप के अंदर मैं एक एक्सटर्नल पोटेंशियल भी अप्लाई कर रही हूँ तो इफ़ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 पॉइंट वोल्ट ये एक स्टैंडर्ड है इससे अगर कम लेते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एनोड से कैथोड की तरफ जैसा अभी तक चल रहा था सेकेंड कंडीशन इफ़ द इलेक्ट एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 पॉइंट वोल्ट अब यहाँ कंडीशन आ जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ एंड सेल विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू 1.1 पॉइंट वोल्ट ही है जितनी हमारी यहाँ पहले आई है स्टैंडर्ड उतनी ही है तो इसका मतलब सेल जो है वो इक्लिब्रियम कंडीशन पे है इक्लिब्रियम मतलब जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी उतनी ही बैकवर्ड चलेगी इट सेल विल स्टॉप अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं जैसा डिस्कस्ट इन ग्रेड इलेवन तो आप यहाँ पर जेडन ने जेडन प्लस टू बनाया राइट right? और ये जो डबल स्लैशेस दिख रहे हैं दैट इज सॉल्ट ब्रिज और कॉपर प्लस टू से कॉपर ये वन एम लिखना भी बहुत जरूरी है कॉन्सेंट्रेशन अगर क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी हो तो मैम हम क्या लिखेंगे उस केस में आपको क्या लिखना है एक्वस राइट right? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जैसे कॉपर ए जी एनओ थ्री इसका आप राइट दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिस फॉलोइंग सेल तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि ऑलवेज सॉल्ट शुड बी टेकन एज अ कैथोड एंड मेटल शुड बी टेकन एज एनोड दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट

एग्जाम्पल इज एन आई ए जी एन ओ थ्री आप सेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं निकल मेटल है तो निकल पहले आएगा ए जी एन ओ थ्री सॉल्ट है तो वो एक कैथोड की तरह वर्क करेगा तो दिस इज अम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सॉल्ट हमेशा कैथोड बनाएंगे आप लोग और मेटल हमेशा एनोड बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक